दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि बैंक से रिलेटेड है कि किस डेट में कौन सी छुट्टी पड़ रही है, वो आपको हम एक एक करके बारी बारी से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो है कि अगस्त के महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक, नोट कर ले ये तारीखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के बैंक अगस्त महीने में अलग अलग राज्यों के त्योहारों के मद्देनजर 11 दिन बंद रहेंगे। अगस्त महीने में अलग अलग राज्यों में उनके त्योहारों के हिसाब से 3, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 28 और 31 तारीख को बैंकों में अवकाश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि राज्यों में बैंकों की छुट्टियां राष्ट्रीय पर्व सहित राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार के मुताबिक तय किए जाते हैं, इसलिए ये पता नहीं चलता कि किस राज्य में किस दिन बैंक बंद है। कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि बैंक पहुंचने पर पता चलता है कि आज अवकाश है। तो दोस्तों असुविधा बचने के लिए बैंक अवकाश की तिथि, मुख्य त्योहार और राज्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 3 अगस्त यानी शनिवार हरियाली तीज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, और वहीं 11 से 12 शनिवार पारसी न्यू ईयर सिर्फ मुंबई में, वहीं 18 अगस्त को रविवार कजरी तीज यूपी बिहार एमपी और राजस्थान में, वहीं 20 अगस्त यानी मंगलवार को श्री श्री महादेव तिथि असम में, वहीं 23 अगस्त शुक्रवार को जन्माष्टमी भारत के सभी राज्य में। जी हाँ दोस्तों, वहीं 28 अगस्त बुधवार को अय्यनकली जयंती केरल में। जी हाँ दोस्तों, वहीं 31 अगस्त शनिवार को गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव पंजाब और हरियाणा में। तो दोस्तों ये थी अगस्त के महीने की छुट्टी। तो दोस्तों आप जान सकते हैं, आप इन छुट्टियों को जरूर काउंट कर लें, क्योंकि आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो आप इन छुट्टियों से पहले अपने काम से निपट लें, नहीं तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम खराब होने वाला है अगर वहां पर जाकर आपको पता चलेगा कि आज छुट्टी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की बैंकों की बड़ी खबर जो कि बैंकों की छुट्टियों के बारे में आपको बताया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।